हाय, माय नेम इज आशीष पाराशर. वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स. इस लेक्चर में हम एक और डिफरेंस पढ़ेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एनिमल्स एंड वीविपेरस एनिमल्स. बहुत सिंपल तरीका, स्टार्ट करते हैं. फीमेल्स ले फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग, दे आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. एग जो होता है वो ओ शेप का ही होता है, इस शेप का होता है. ये बहुत ही बेसिक और बहुत पुराना तरीका है ओविपेरस एनिमल्स को याद रखने का, कि ओ मतलब एग, जो एग ले करते हैं, जो कि एग हो सकता है फर्टिलाइज्ड हो या अनफर्टिलाइज्ड हो. तो जो एग ले करते हैं उनको हम ओविपेरस एनिमल बोलते हैं, और जो यंग वन को, एक नवजात बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं, दे आर वीविपेरस एनिमल्स. एग जो है सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग. जो एग होता है उसके आसपास आपने देखा वो व्हाइट कलर की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो उनको हम ओविपेरस में, और प्रोटेक्टिव कवरिंग इज एब्सेंट अराउंड द एग. अगर वीविपेरस की हम बात करें, सवाल ये उठता है प्रोटेक्टिव कवरिंग की जरूरत क्या है. जब आप ओविपेरस की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होने का कारण ये है कि एक्चुअली में यंग वन जो है उनका, उसके अंदर सर्वाइव कर सके, उसको प्रोटेक्शन मिलने के लिए वो वाइट कलर का प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है. अगर मैं वीविपेरस की बात करूँ तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो फीमेल बॉडी है वो अपने अंदर ही उसे प्रोटेक्ट करे हुए है. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी. जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा. क्यों होगा? क्योंकि आप खुद ही देखो, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड जो एग है, यानी फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद एग ले कर दिया गया है, एग बॉडी से अलग कर दिया गया है. तो यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑब्वियस है बॉडी के बाहर होगा, लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, इवन मैं कहूँ जो प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म है या फिर लार्वा तक की स्टेज है, वो पूरी बॉडी के अंदर ही होगी. ठीक है ना? और एम्ब्रियो तो ऑब्वियस सी बात है, एम्ब्रियो फीमेल बॉडी के अंदर ही बनेगा. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द फूड रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टोर्ड इन द एग. आपने देखा होगा जब भी एग को हैच करके, तोड़ के, उसे ब्रेक डाउन कर, तो जैसे ही वो अंडा टूटता है उसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं, और वो जो चीज़ें होती हैं वो एक्चुअली में जो उसका ऑर्गेनिज्म है जो उसके अंदर रह रहा है, उसका फूड होता है, उसका स्टोर फूड मटेरियल होता है. यहाँ पे अगर हम बात करें जो फूड रिक्वायरमेंट है, डेली नीड है, या फिर जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है, वो पूरा का पूरा मदर की बॉडी से ही कंटिन्यूस प्रोवाइड किया जाता है. जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, तो एक मदर है और उसका चाइल्ड है, तो मदर की बॉडी ही जितना भी उसका नरिशमेंट है, जितना भी उसको वेस्ट रिमूवल करना है, ऑक्सीजन सप्लाई है, वो पूरा मदर की बॉडी टेक केयर करती है, इस बात का ध्यान रखती है. लेकिन एग में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है. एग में जो ऑर्गेनिज्म है उसको बॉडी के बाहर एक प्रोटेक्टिव एग के अंदर रख दिया जाता है, और उसका जो स्टोर फूड है वो वहीं रखा रहता है, उसी को कंज्यूम करके एक दिन उसे हैच करके वो ऑर्गेनिज्म बाहर निकलता है. फीमेल ले एग्स इन अ सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट बट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस. नाउ व्हाई द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस? इसलिए क्योंकि अंडा है, कहीं भी छोड़ दिया, एक्स वाई जेड, जैसे बर्ड्स की बात करें लेट्स से, या फिर रेप्टाइल की बात करें, तो एग रखा है कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा. बहुत सारे चांसेस होते हैं कि कोई उसका जो एक्स वाई जेड उसको प्रे बना ले, उसको कोई भी आके खा ले, तो ये चीज़ें होती. लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो यंग वन है वो फीमेल बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड है, सेफ है, इसलिए यहाँ सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एग लेइंग मैमल वैसे भी एक ही है, तो इसका ज़्यादा ऑर्निथोरिंचस की बात हो रही है यहाँ पे. तो मैमल्स इसका एग्जाम्पल हैं, और इनकी मैं बात करूँ तो बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, और एग लेइंग मैमल्स. सिर्फ एक ही एग लेइंग मैमल है एनिमल किंगडम, जब आप पढ़ोगे पता चलेगा, ऑर्निथोरिंचस है, ब्लैक बाइल प्लेटिपस है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्लेटिपस एक्चुअली में क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर क्लॉका जो है, दोनों में होता है, रेप्टाइल में भी होता है, मैमल में भी होता है, और ये मैमल में एक्चुअली में जो प्लेटिपस है सिर्फ उसके अंदर होता है. ये क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल हैव फीचर्स या फिर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोथ द किंगडम, या फिर जो एक लिंक पूछ लेते हैं, या फिर आप मान लीजिए इनकी सिमिलैरिटी पूछ लेते हैं, या फिर आप इनसे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, क्लॉका के ऊपर हो गया, कौन एग देता है मैमल, या कौन सा मैमल है जिसके फीचर्स रेप्टाइल से रिलेटेड होते हैं, तो प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंचस इसका करेक्ट आंसर है. आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें. थैंक यू.